दोस्तों क्रिकेट की दुनिया से एक बेहद ही बुरी खबर सामने आ रही है। भारतीय टीम के पूर्व स्वीग तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार का भीषण एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी जान बाल बाल बची। दरअसल मंगलवार को देर रात मेरठ के रास्ते में प्रवीण कुमार की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर कंटेनर ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मंगलवार यानी कि 4 जुलाई की रात 36 वर्षीय स्विंग तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार अपने बेटे के साथ कहीं जा रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी गाड़ी का कार एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक जब प्रवीण कुमार अपनी कार लैंड रोवर डिफेंडर में पांडव नगर से आ रहे थे, तो एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने उनकी कार को सामने से टक्कर मार दी, जिसके बाद उनका कार क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि प्रवीण कुमार और उनके बेटे सही सलामत हैं, वह इस हादसे में बाल बाल बचे। गौरतलब है कि यह हादसे के बाद लोगों ने कंटेनर चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पीयूष कुमार का कहना है कि कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर थाना भेज दिया गया है। वहीं सीओ ने बताया कि पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार और उनका बेटा सुरक्षित है। आपको बता दें कि प्रवीण कुमार का क्रिकेट करियर कुछ खास नहीं रहा। भारतीय टीम के लिए शानदार स्विंग गेंदबाजी करने वाले इस खिलाड़ी ने 68 एकदिवसीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 77 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं 10 टी20 मुकाबले में उनके नाम 8 विकेट दर्ज है। प्रवीण कुमार ने आईपीएल में भी शिरकत करी है। आईपीएल के 110 मुकाबले में उन्होंने 90 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों प्रवीण कुमार की रिकवरी के लिए कमेंट सेक्शन में गेटवेल सुन जरूर लिखें।